तो अंश भाई आपको कैसा लग रहा है नया? अच्छा नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महंगा पेंसिल है। हाँ भाई भाई के लिए बहुत खुशी हो रही है आज। मेरे छोटे भाई आदरणीय सोनी ने नया आईपैड लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। इसका प्राइस बता देता हूँ, ये मेरे को पड़ा है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं आईपैड लेने, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आईपैड कितना सस्ता है इंडिया से, कहाँ से ले। मैं 2-3 स्टोर चेक कराऊंगा कि प्राइस का क्या डिफरेंस है यहाँ पे। अभी हम तीनों निकल गए हैं, ट्रेन स्टेशन आ गए। आपको किर्गिस्तान में आईपैड कहाँ से खरीदे सही स्टोर बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं भी आज खरीदने जा रहा हूँ, आप भी देखिए कि कहाँ पे मिलता है सही आईपैड। चलते हैं, ट्रैम का वेट कर रहे हैं अभी। तो गाइस अभी हम घुमसुम पहुंच चुके हैं, हमको यहाँ जाना है। अभी हम यहाँ पे स्टोर्स के अंदर जाके देखने वाले हैं। यहाँ पे अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे हम जाके पूरा प्राइस चेक करने वाले हैं। जहाँ पे सही प्राइस मिला मेरे को आईपैड प्रो भी लेना है और एप्पल पेंसिल प्रो भी लेना है। तो प्राइस जहाँ सही मिला वहाँ से लेंगे। चलो दिखाता हूँ। पहले अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं एशिया स्टोर में और यहाँ का प्राइस चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ एशिया स्टोर में जो था एप्पल पेंसिल प्रो का प्राइस था 14,000 और आईपैड प्रो 13 इंच उसका था 1,19,000। देखते हैं अभी अंदर जाके और स्टोर देखते हैं। ये यहाँ पे एक बार पूछ लेते हैं। ये वाले स्टोर में तो 13 इंच अवेलेबल ही नहीं है, 11 इंच ही अवेलेबल है। और यहाँ पे 11 का प्राइस है 89,000। यहाँ का 11 का प्राइस वैसे मेरे को सही लगा था, लेकिन यहाँ पे 13 इंच नहीं है ना, हम 13 इंच लेने वाले। तो गाइज अभी हम फिलहारमोनी आ चुके हैं, क्योंकि हमको वहाँ घुमसुम का प्राइस समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे एक ऑफिशियल स्टोर है आई स्टोर का, हम वहाँ पे प्राइस पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जगह 13 इंच अवेलेबल नहीं था और वो सब मतलब अनऑथराइज्ड स्टोर था। एक एशिया स्टोर था वहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, उसके मुकाबले यहाँ आई स्टोर का प्राइस कम है। तो मैं वापस आई स्टोर आ गया हूँ और घुमसुम में और भी हम लोकल दुकान में पूछे, तो एक जगह 13 इंच सेलुलर का प्राइस बता रहा था 1,06,000। वो हमको समझ में नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा ही सस्ता बोल रहा था, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम। तो अभी फ़िलहाल अभी आई स्टोर में जाके देखते हैं। अब दिमाग में ये आ रहा है कि एक ही बार लो, थोड़ा 3-4 हज़ार ज़्यादा दे दो, लेकिन ऑफिशियल स्टोर से ही लो, क्योंकि लोकल भरोसा करने के लायक है नहीं यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं आई स्टोर जाके। वैसे फिलहारमोनिया भी देख लो, बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस ये हम आई स्टोर आ गए हैं, घुसते हैं यहाँ पे। तो अभी हम 11 इंच बुक कर दिए हैं, वो अभी देने वाला है हमको। 11 इंच देने वाला है हमको, इतना प्राइस पड़ा है। पहले हमने सोचा था 13 इंच का, उसके बाद फिर इतना बड़ा आएगा 13 इंच, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये 11 इंच ये सही है, कैरी करने में आसान हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। 11 इंच ही ले रहे हैं और एक एप्पल पेंसिल प्रो। देखते हैं प्राइस कितने का बनता है यहाँ पे। देखो ये अपने आईपैड का वारंटी यहाँ पे ऐसे मिलता है,
ये पेंसिल का वारंटी बना रहे हैं, एक साल का मिलता है यहाँ पे वारंटी। हाँ भाई, ब्लॉगर साहब का नया आईपैड, अब भाई की एडिटिंग चलेगी फुल। यार देखो साइनिंग हो रही है, पैसे तो है आगे। हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर हमारी पैसा कट चुका है अभी हमारा। कितना कटा है भाई? पैसा ज्यादा हो गया, पता भी नहीं चल रहा कितने के साथ है भाई। मेरी कर दी भाई, अब अनबॉक्स करिए। ओह भाई कुछ लग रहा, देख रहे भाई, भाई लाख रुपए की चीज ऐसे साइड में रखी है भाई। कुछ इसमें कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, पेपर के बारे में कुछ जानकारी है। इनबॉक्स किस्मत वाले जो हमको चार्जर मिल पर फाड़ दो उसकी पिन नहीं सकते। और इसमें इस टाइप का पिन आता है, इसलिए हम बड़ा यूनिवर्सल पिन होता है इस टाइप को बोला ना ऊपर लगता लगा दिया पेंसिल भी खुलता है। तो अंश भाई आपको कैसा लग रहा है नया? कुछ पूछा नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। देख पेंसिल बहुत महंगा पेंसिल है। हाँ भाई अप्सरा का पेंसिल है भाई ये देखिए फरदीन भाई हमारे, दिखा दीजिए भाई पेंसिल थोड़ा सा पास से भाई। बढ़िया है यार सफेद कलर सब करते हुए ब्लॉगर साहब अपना फोन। फाइनली हमको हमारा सामान मिल चुका है और अभी हम चलते हैं दोस्त के फ्लैट पे, वहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो गाइस हमने हमारा आईपैड ले लिया है, और कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई बहुत खुशी हो रही है भाई के लिए बहुत खुशी हो रही है आज। मेरे छोटे भाई आदरणीय सोनी ने नया आईपैड लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो अभी हम जाके एक बार और अनबॉक्स करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल्ड में प्राइस बताऊंगा कि कितना पड़ा और कितना कटा भाई का कटा। हाँ। वो सब वो नहीं कटा मतलब पहले टैक्स कटा। पहले हम अभी वहाँ चल देते हैं अपने हॉस्टल, उसके बाद रूम में दिखाता हूँ मैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना आईपैड ले आया हूँ, हमने अनबॉक्सिंग तो कर ही लिया था वीडियो में। मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, ये मेरे को पड़ा है 92,650 सोम्स का, और ये मेरा एप्पल पेंसिल है, ये मेरे को पड़ा है 14,000 का। तो आप टोटल करके गेस कर लेना कि कितना मेरे को प्राइस पड़ा है, और कुछ टैक्सेस भी कटे हैं। और आपको मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आईडी काम नहीं करता है, आपको लेना है तो फिक्स प्राइस ही रहेगा, उसमें आप ले सकते हो, या आप दो तीन स्टोर पता कर सकते हो कि इनका प्राइस क्या वेरी कर रहा है। क्योंकि जैसा कि आप मैंने आपको दिखाया था कि एशिया स्टोर जो गए थे हम वहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, आई स्टोर गए थे वहाँ पे प्राइस कम था। वैसे दोनों दुकान ही अच्छे हैं आईपैड लेने के लिए, पर इस प्राइस को आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपको कम पड़ रहा है, आप वहाँ से ले लो। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोकल स्टोर्स हैं जिसमें सही सामान मिल जाता है, प्राइस भी कम रहता है,
लेकिन आप एक बार इसका मॉडल नंबर चेक कर लीजिएगा कि मॉडल नंबर है कि नहीं, ये ओरिजिनल है कि नहीं। सीरियल नंबर भी आता है, बॉक्स के पीछे लिखा रहता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही लेने का सोचिएगा। नहीं तो यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत होते हैं, वो इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। आप चेक कर लो फिर लो, और मेरी बात माने तो आप यहाँ पे ऑथराइज स्टोर से ही लीजिए, क्योंकि किर्गिस्तान में कोई एप्पल का ओरिजिनल स्टोर है नहीं। इसलिए जैसे मैं यहाँ से लिया था आई स्टोर से, ये ऑथराइज स्टोर है। एशिया स्टोर भी ऑथराइज स्टोर था, पर यहाँ का प्राइस मेरे को कम पड़ा तो मैं यहाँ से ले लिया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ऐसे कंटेंट और आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।